लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा डार्क लैंटर्न फ्रैंकलिन को छोड़ के उसके पास प्रेजेंट में जाके सारे के सारे फ्रैंकलिन द लैंटर्न को मारने के लिए निकल पड़ता है। ये बात फ्रैंकलिन को पता चल जाती है और वो दुनिया को बचाने के लिए गॉड एवेंजर के पास चला जाता है, क्योंकि कायजूस हमला करने वाले थे वो भी बहुत ही तादाद में। इसीलिए वो अलोक और एस्ट्रा के पास जाता है। वहाँ पे उसे पता चल जाता है माफिया के पास एटॉमिक ब्लास्ट और बहुत सारे जिप्सी एवेंजर के रोबोटिक पार्ट्स है उसे चुराने के लिए। वो उनके बेस के अंदर पहुंच जाता है और उन्हें चुराने के बाद उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे डॉक्टर हवार्ड आ जाता है। दूसरी तरफ कायजूस शहर में घुसना चालू करते हैं। अब आगे नहीं, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पे आ गया, मैं तो मोटर्स को लेने के लिए गया था, ये कौन सी जगह आ गई। हेलो टीचर लोग, एस्ट्रा, शिनचैन, अरे जल्दी जल्दी कार के अंदर बैठो फ्रैंकलिन अंकल, नहीं तो हमको मार देंगे। क्या कहा कार के अंदर? फ्रैंकलिन जल्दी बैठो। नहीं कहा बैठो, कार को चलाओ। तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम लोग हो कहाँ पे और ये जगह कौन सी है? डॉक्टर हवार्ड बोलते, आवाज तो सुनी होगी फ्रैंकलिन। डॉक्टर हवार्ड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मुझे ये टापू के ऊपर क्यों बुलाया? ये टापू तो गाइस जाना पहचाना लग रहा है, आई थिंक ये सेक्टर 257 तो नहीं है? अरे हाँ, सेक्टर 257 है, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत साल पहले कायजूस को हराया था इसी बेस के ऊपर से। अब फ्रैंकलिन, और अब हम यहाँ पे कैद हो चुके हैं, जल्दी आ जाओ। सही कहा, अगर तुम यहाँ पे आ जाते हो तो ये हमें छोड़ देगा और तो और हमारे गॉड एवेंजर को ठीक कर देगा। क्या कहा? गॉड एवेंजर को ठीक कर देगा, कहाँ पे आना है? जल्दी आ जाओ। आ, 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 आ। सीधे सीधे और सीधे बेटे, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं, कहाँ पे जाना है यहाँ पे? अरे नहीं, थोड़ा आगे चलो और भी आगे, वहाँ पे आप लोग ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एक अंदरूनी जगह के ऊपर और वहाँ से भी अंदर आना है आपको। आई थिंक ये वाला बेसिक है शिनचैन। अरे हाँ चलो आ जाओ। ओह माय गॉड, डॉक्टर अवार्ड, तुमने ये क्या बना दिया सेक्टर 257 के अंदर? ये मेरा सीक्रेट बेस है, यहाँ पे मैं डॉक्टर हवार्ड की सीक्रेट मशीनों की लैब चलाता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे ये पता नहीं था ये एक लैब है। यहाँ पे तो गाइस बहुत ही बड़े बड़े प्लेन, बहुत ही बड़े बड़े एटॉमिक मिसाइल सेव करके रखे। डॉक्टर हवार्ड, तुम हमारे साथ कोई अगर चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, तुम पे पहले ही बता दूं, मैं एक डार्क लैंटर्न हूँ, मुझे पता नहीं मेरे अंदर की पावर कब जाग जाएगी। मुझे सब कुछ पता है। अरे हाँ, इसको ये भी पता है कि आपके पास कोई भी पावर्स नहीं है। ये तो गलत बात है गाइस, डॉक्टर हवार्ड को सब कुछ पता चल चुका है, लगता है मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। ये गुफा कैसी है, ये इतनी बड़ी गुफा यहाँ पे क्या कर रही है? ये एक सीक्रेट लैब है, इसीलिए इतनी बड़ी है। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ शिनचैन। अलोक और एस्ट्रा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, जल्दी करो, हमें कुछ हो या ना हो लेकिन ये हमारा गॉड एवेंजर ठीक करके दे रहा है, हमें नहीं पता क्यों दे रहा है। लेकिन हम लोगों को वो किसी भी हालत में चाहिए। ऐसी बातें, मैं लगभग पहुँच गया, यहाँ पे तो रास्ता खत्म हो गया। राइट ले लो, यहाँ से तुम बहुत आगे जाओगे। सही कहा, मैं इतने आगे जाऊंगा कि एक बार तुम्हारा काम मैं तमाम करके ही रहूंगा। क्या हम लोगों को यहाँ पे आना है? अरे नहीं, वहाँ पे नहीं, पीछे आना था। सही कहा, पीछे टर्न मारो, हम पीछे की साइड है, तुम्हें दिखाई दिए क्या? नहीं दिखाई दिए, लेकिन गाइस यहाँ पे कितना बड़ा बंकर है, यहाँ पे तो बहुत सारे मिसाइल लगे। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सही कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा फ्रैंकलिन, सारे के सारे कायजूस कभी भी आ सकते हैं। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर हवार्ड। फ्रैंकलिन अभी के लिए शांत हो जाओ, यही हमारी हेल्प करने वाला है, यहाँ से स्कैनिंग होगी पूरी व्हीकल की। क्या कहा? और तुम्हें अपनी व्हीकल यहीं पर रखनी पड़ेगी। तुम सबको सब कुछ पता चल गया, लगता है तुम लोग उसके साथ मिले हो। नहीं, हम लोग नहीं मिले, हमें बस अपना जीप चाहिए, क्योंकि लॉस एंजेलिस में कभी भी खतरा आ सकता है, हमें उसके लिए रोबोट चाहिए। ये लोग तो सही कह रहे हैं, हमें दुश्मनों के ऊपर भी भरोसा रखना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे पर भरोसा रखता हूँ डॉक्टर हवार्ड। तू आ जाओ, ये ब्रिज क्रॉस करके राइट साइड पे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ फ्रैंकलिन उर्फ डार्क लैंटर्न। तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे, एक बार मुझे पता चल गया तुमने हम सबको धोखा दिया है तो मैं अपनी
अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या हुआ, हो गया धोखा? डॉक्टर हावर्ड बोलते, ये क्या, तुम ये कैसे कर सकते हो? सही कहा फ्रैंकलिन, तुम सही देख रहे हो, यहाँ पे हमने बना दिया है गॉड एवेंजर को, इसके अंदर जाना गई। अरे हाँ, और तो डॉक्टर हावर्ड हमारे साथ है। क्या कहा, डॉक्टर हावर्ड हमारे साथ है? सही कहा फ्रैंकलिन, ये देखो इसके अंदर अब जान आ गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर हावर्ड तुम हमारा साथ क्यों दे रहे हो? तुमने इसे तो बहुत ही अच्छे से ठीक कर दिया, ये जगह तो बहुत ही प्यारी है। डॉक्टर हावर्ड बोलते, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था बेटे। अरे हम लोगों को इनके ऊपर यकीन करना पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। सही कहा तुमने शिनचैन। गाइस क्या बोलते हो, डॉक्टर हावर्ड के ऊपर हम लोग भरोसा रखे? आग बंद करके रखो। गाइस मुझे यहाँ पे इसके ऊपर यकीन करना मतलब बहुत ही भला बुरा लग रहा है। ये क्या, इसने तो इसके अंदर पूरी की पूरी स्पेसशिप की पावर डाल दी है। सही कहा फ्रैंकलिन, अब ये स्पेसशिप की पावर से चलेगा, और अब इसके अंदर जान भी आ गई है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। एक काम करो, इसकी हेल्थ चेक करो। सही कह रहे हो, इसकी हेल्थ तो ग्रीन में दिखा रही है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। लेकिन इसे चलाने के लिए अलोक हम दोनों को आना पड़ेगा। हम भी आएंगे। नहीं एस्ट्रा, तुम भी आओगे, हमारे पास समय बहुत कम है। यही कहा, जाओ फ्रैंकलिन। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा गाइस हम इसकी हेल्प ले रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इसका मत्था तोड़ने का मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन आज के लिए हमें अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है और हमारे मिशन को कम्प्लीट करना है। ना हम लोगों के पास एवेंजर्स है, ना हम लोगों के पास कोई और हीरो है, अब हम सबके पास बस यही एक रोबोट बच्चा है। हेलो, क्या तुम रेडी हो? हां मैं रेडी हूं। लेकिन याद रखना, दोनों के माइंड एक हो जाएंगे। और ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। कोई बात नहीं, मैं और फ्रैंकलिन कर लेंगे। सही कहा, चलो चलते हैं। अरे है, चलो चलो चलो। क्या तुम रेडी हो लोग? मैं हूँ, चलो लेट्स गो। ये हुई ना बात, शिनचैन फाइनली हम लोगों का गॉड एवेंजर बन चुका है, चलो चलता हूँ। ये क्या हो गया, इसकी पावर कम पड़ गई है। ये क्या डॉक्टर हावर्ड, ये क्या हो गया? मुझे लगा था उस स्पेसशिप की पावर बहुत कम है, अब इसे अपग्रेड करना पड़ेगा, इसे ऑटोमिक पावर देनी ही पड़ेगी। क्या कहा, ये तो गलत बात है, हेल्प करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। फ्रैंकलिन जल्दी करो, गाइजूस लॉस एंजलिस में आ गए हैं। क्या कहा, लॉस एंजलिस में आ गए? शिट, अब तो लगता है सबका काम तमाम हो गया। जल्दी करो, वो सारी की सारी बिल्डिंग को तोड़ने वाले हैं, हमें पहुंचना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, पावर कहां से लूं अभी के अभी, मेरे पास कोई पावर भी तो नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। शिट, वो शहर में घुस गए, एक नहीं है, दो नहीं है, पाँच पाँच गाइजू है। हाँ लो, हमें जाना पड़ेगा। करो फ्रैंकलिन, रोक, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये चल ही नहीं रहा। मैं भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा पावर चाहिए, कहाँ से लाऊं पावर? गाइस क्या करूं, लॉस एंजलिस खतरे में, हम सबको एक होना ही पड़ेगा, सारे के सारे एक साथ लाइफ एलिवेटर को दबाओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलने वाला है, क्या करें? अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास ऑमनीटिक्स है, उनमें से किसी एलियन की पावर को मिक्स करके आपके अंदर डाल दूं क्या? ये हो सकता है। अरे तो चलो ट्रांसफॉर्म, अरे चलो मैं आपके अंदर पावर डाल रहा हूँ, जल्दी करो। ओके गाइस, आप सब लोग जल्दी से लाइक कर दो, ये लो और पावर चाहिए, जल्दी शिनचैन। अरे हाँ डाल तो रहा हूँ, ये लो, अब तो बहुत सारी पावर्स आपके अंदर, ये चार्ज हो रहा है। बहुत बढ़िया, और पावर 100% हो गई, लेट्स गो शिनचैन, साइड हटो। अरे हाँ मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया, मुझे नींद आ रही है, चलो सोता हूँ। ये हुई ना बात, शिनचैन का ध्यान रखना एक्स्ट्रा। ओके मैं ध्यान रख रही हूँ, तुम चलो चलो फ्रैंकलिन, दिमाग के ऊपर काबू कर लो। सही कहा, मैंने अपने दिमाग के ऊपर काबू कर लिया है। गाइस अब हम सबको जाना ही पड़ेगा, हमारे हैं लॉस एंटोस, आज कुछ ही फिर करके सारे काजूस का काम तमाम करेंगे, हम हैं फ्यूचर मैचअप बॉस। क्या कहा फ्रैंकलिन, तुम मेरे साथ हो? सही कहा, तुमने हमारी हेल्प की, अब मैंने इसका नाम फ्यूचर मैचअप बॉस रख दिया है, जिप्सी एवेंजर द मैचअप बॉस। बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
अरे जाओ दुनिया को बचा लो। हेलो चलो सही कहा, चलते हैं पानी के अंदर से। फाइनली फ्रैंकलिन हम लोग पहुंच गए। चलो अब सीधा चलते हैं शहर के पास। अरे हाँ शहर के बीचों बीच गाइस उसने हमला कर दिया है। चलो गाइस अब हम सबको एक होना पड़ेगा। क्या आप सब लोग हमारे साथ हो? सारे के सारे बोलो गॉड एवेंजर ओपी। सही कहा, आज गाइस का खात्मा हम करके रहेंगे। ओ नो पूरा गाइस चलते हैं।